other classes. I'm Harneet and I am today teaching you about the banking and monetary policies. So this is the fourth chapter of 12th standard textbook, economics textbook. तो लास्ट चैप्टर में हमने पूरा का पूरा मनी के बारे में पढ़ा कि मनी क्या होता है, बाटा सिस्टम क्या होता था, मनी कैसे इवोल्यूएट हुआ, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, मनी के फंक्शंस क्या है, एक्सेट्रा. तो अब मनी से रिलेटेड जो टर्म है वो होता है बैंकिंग. तो अब बैंकिंग कैसे आई है दुनिया में, बैंकिंग कैसे चलती है, और इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में मेजरली पढ़ेंगे कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, कि इंडिया में अगर बैंक है तो आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, कितने तरह के बैंक्स होते हैं, कितनी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, आपको बैंकिंग का मतलब पता है कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है. मॉनेटरी वर्ड आया है मनी से, तो मनी के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई या गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट वैसे तो नहीं बनाती है क्योंकि पूरा जो मनी सिस्टम होता है वो आरबीआई कंट्रोल करती है. तो जितनी भी मनी के रिलेटेड पॉलिसीज आरबीआई बनाती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग कब आया, कैसे आया, क्यों आया, कैसे चलता है, हमारी इंडिया में आरबीआई क्या है, उसका रोल क्या है, कितने तरह के बैंक्स हैं और बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, एंड देन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक नॉलेज ऑफ द बैंकिंग. हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ बैंकिंग के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन डिटेल सारी चीजें आगे पढ़ना शुरू करेंगे. तो बैंकिंग लाइक पुराने टाइम में क्या होता था कि पीपल यूज टू कीप देयर मनी विद सम पीपल, राइट, कि चलो जैसे कि अगर कोई एक इंसान है वो अपने घर में कमा के ला रहा है तो अपने बड़े बुजुर्ग को देगा एंड वो पैसे को अक्यूमुलेट करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, फिर जब जिसको जरूरत होगी वो उनसे लेता रहेगा. ठीक है, तो पुराने जमाने में लोग अपने घर में ही पैसा इकट्ठा करके रखते थे या फिर कहीं पर बाहर, जैसे कि कुछ ऐसे अकाउंटेंट्स हुआ करते थे पुराने टाइम में भी, तो उनको जमा करते थे एंड अल्टीमेटली जब उनको नीड होती थी तब उनको मिलता था एंड थोड़ा उनको ऊपर का भी पैसा मिलता था. तो इस तरह से बैंकिंग एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ. ठीक है, इस तरह से लोगों के दिमाग में आया कि भाई ऐसे हम प्रैक्टिसेस करें तो इसमें तो भाई झोल भी हो सकता है कि वो बंदा हमारा पैसे लेके निकल जाए. ठीक है, और घर में पड़ा रहेगा तो घर में पैसों की क्या गारंटी, कभी चोरी हो जाए कुछ. तो उस चीजों से बैंकिंग निकला कि बैंक हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट क्रिएट करना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें हम हमारे मेहनत का पैसा रख सके एंड जब हमें जरूरत हो हम उसको निकाल सके. ठीक है, हम आज देखते हैं कि हम हर एक चीजें घर बैठे बैठे कर सकते हैं. वी कैन परचेज एनीथिंग ऑनलाइन एंड हम ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक तरीके से हम पैसा सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ऐसा कब हो सकता है, जब आपकी बैंकिंग अच्छी हो. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर टीवी फ्रिज कुछ भी आ रहा है तो हम उसको ईएमआई पे लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं. तो ये सब तभी पॉसिबल है जब बैंकिंग अच्छा पॉसिबल होता है. ठीक है, तो आप अब बैंक का, बैंक जो वर्ड है, जो बैंक वर्ड है, बैंक का मतलब होता है मास. आपकी बुक में बैंक का मतलब दिया है मास या फिर हीप मतलब ढेरी होती, किसी कचरे की ढेरी होती तो उसको भी हम हीप बोलते हैं. तो इसी तरह से पैसों की ढेरी को यहाँ पे बैंक वर्ड से सिमिलर किया गया है. सो संस्कृत में बैंक को भांडा कहा जाता था एंड उसका मतलब होता था कैपिटल यानी कि फंड. अब कैपिटल क्या है, फंड क्या है, ये आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट इन अकाउंट्स सब्जेक्ट, राइट. तो फिर धीरे धीरे बैंकिंग जो वर्ड है वो आया इंग्लिश वर्ड बैंका से, इंग्लिश वर्ड है बैंका, यहाँ से आपका वर्ड आता है बैंक. ठीक है, और फ्रेंच वर्ड बैंक, और इंग्लिश में बैंका बोलते थे एंड फ्रेंच में बैंक बोलते थे. ठीक है, तो यहाँ मतलब क्यू यू ई यूज होता था, तो यहाँ से आपका वर्ड निकला है बैंकिंग. ठीक है, सो एंड बैंक ऑफ बार्सिलोना, पहला बैंक जो पूरी दुनिया में बना गया था वो था बैंक. सो दुनिया का पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ बार्सिलोना बनाया गया था स्पेन कंट्री में 1401 में. फिर धीरे धीरे हर एक कंट्री में बैंकिंग सिस्टम आया,
हमारी कंट्री में जब हम अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो मुगल्स हो गए, उससे पहले भी जितने भी एम्पायर्स थे, जितने भी राजा महाराजा थे, उनके टाइम में बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता। मुनीम जी हुआ करते थे जो उस टाइम के अकाउंटेंट होते थे, हिंदी में अकाउंटेंट को मुनीम कहते हैं। तो उनके पास वो अपने पैसे जमा रखते थे, जब जरूरत होती तब लेते थे। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आने लगे तो ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ हमारी कंट्री बहुत डेवलप हुई। तो उनके आने के बाद कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। पहले हमारा मतलब फिर धीरे धीरे हमारा पूरा सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हुआ जो कि आज हम देख सकते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द बैंक ऑफ बार्सिलोना सेट अप इन स्पेन इन 1401 इज द फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश। इसको रियल बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैंकिंग के जितने भी फंक्शन है कि पैसा डिपॉजिट करना एंड जरूरत पड़ने पे मांगना, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है, ये हम वापस रिपीट करेंगे। तो बैंकिंग का जो भी फंक्शन है वो मुनीम जी यानी कि अकाउंटेंट या फिर लोकल कोई भी पर्सन करता था, पर रियल टाइम में बैंकिंग जो थी। सो जब जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे लोगों को मनी यूज करना समझ में आने लगा कि मनी के क्या क्या फंक्शंस थे। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स जो हमारे पिछला चैप्टर था उसमें हमने देखा, थर्ड चैप्टर में, तो हमने देखा मनी में स्टोरेज कर सकते हैं हम, उसका मेजर अच्छे से हो सकता है, उसके कारण हम चीजें खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे बैंक भी एग्जिस्टेंस में आने लगी। अब बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला मेन फंक्शंस होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड जब मांगने में आए तब